अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने। गांव में किस तरह क्रिकेट खेली जाती है और मेरे साथ मेरा कज़न है फाज और उसके साथ उसका दोस्त है हमजा। अभी जा रहे हैं जी हम क्रिकेट खेलने और जाके देखते हैं भाई किस तरह का माहौल है वहाँ पे और कैसे लोग खेलते हैं और यहाँ पे कैसे लाइफ स्पेंड करते हैं। सारे आपको जो लोग वगैरह मिलते रहेंगे और आप मेरे पीछे भी काफ़ी देख सकते हैं यहाँ पे हर बंदे ने हर में इन्होंने गायें और भैंसें वगैरह रखी हुई हैं। तो जो क्रिकेट आप जहाँ खेलने जा रहे हैं कितनी दूर है? जैसे 5 मिनट की वॉक है, लेकिन कितने किलोमीटर बन जाते हैं? किलोमीटर में आता है। अच्छा, किलोमीटर से काम है इसका। अच्छा, तो गर्मी यार बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, 40-45 की डिग्री पे चला गया होगा। 38 है। अच्छा, मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि लाहौर में काफ़ी कम था। तो अभी चलते हैं और जाके देखते हैं भाई किस तरह टिकट मिल जाती। इधर से जाना है, चले उधर से चलते। बात कुछ बताओ यार अपने गाँव के बारे में। गाँव के बारे में हम आपको बताएंगे नहीं, आप आगे किधर निकल के पीछे आओ। यार गाइस देख सकते हो बहुत ही अजीब सी जगह है जहाँ से मैं जा रहा हूँ। अजीब सी रोड है ये, क्योंकि जो गांव के लोग हैं ये आराम से चल लेते हैं इसमें, लेकिन मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। और वैसे भी मैं काफ़ी देर बाद आया हूँ गांव में, तो काफ़ी अच्छा है यार गांव वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन यह है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा मौसम यह है कि इस साइड पर जो है ना मेरे ख्याल से सर्दियों में आना चाहिए, वो बेहतर रहेगा। मतलब जब नॉर्मल मौसम हो, ज़्यादा सर्दी होगी तब भी इधर थोड़ा सा धुंध वगैरह हो जाती है। और उसके अलावा अच्छा मुझे ये बताओ ट्यूबवेल वगैरह चल गए? गंदम की कटाई वगैरह चल रही है आजकल, तो ट्यूबवेल्स वगैरह जब चलेंगे तो वो भी आपको थोड़ा सा दिखा देंगे। यार आपने मुझे लाजमी उतारा ताकि मैं ना व्लॉग्स में दिखा सकूँ ट्यूबवेल वगैरह, ठीक है? तो वैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखें पूरी गंदम पक चुकी है, ये कटिंग शुरू हो गई कि नहीं गंदम की? अच्छा वो देखिए आप देख सकते हैं कटिंग वगैरह भी कर रहे हैं लोग। चलें थोड़ा सा दिखाते हैं यार, काफ़ी बेहतरीन बहुत कमाल का गांव है ये। तो चलते हैं यार अभी जाके देखते हैं। रोज़ा भी है मेरा और बुरी हालत हो रही है रोज़े के साथ। तो गाइज आपकी खातिर व्लॉग बना रहा हूँ यार, इतनी गर्मी में बहुत बुरा हाल हो रहा है। चलो यार अभी जाता हूँ और जब क्रिकेट वगैरह हम शुरू करेंगे तब आपको दिखाऊँगा। तो गाइस पहुंच चुके हैं मैदान पे, आपको मैदान दिखाते हैं। वो देखिए मेरे पीछे कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं, बहुत ही कमाल का मैदान बना हुआ है। अभी चलते हैं नीचे, सारे यार कांटे कांटे हैं, बड़ी मुश्किल से जाना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये सारी जगह जो है ना बिल्कुल ही वीरान है। यहाँ पे कुछ भी नहीं, कोई फसल वगैरह भी नहीं है इसके करीब करीब है, लेकिन जहाँ पे मैदान है उस पर कुछ भी नहीं है। और अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं थोड़ा सा क्रिकेट। अभी इतने ज़्यादा लोग तो नहीं है लेकिन थोड़े बहुत लोग खेल रहे हैं क्रिकेट, अभी जाके दिखाता हूँ मैं आपको। सामने क्रिकेट खेली जा रही है, आपको शायद नजर आ रहा हो। अभी मैं जाता हूँ आगे जाके थोड़ा सा आपको क्लोज में दिखाता हूँ। फाज यार जगह तो आपके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस अगर आप करते हैं डेली तो फिर फायदा है। यार दरअसल अक्सर रोजे होते हैं और कुछ दूसरे एग्जाम्स की वजह से ग्राउंड में नहीं हो रहा, इसकी वजह से प्रैक्टिस अभी जो प्रॉपर होती है ना। रमजान के बाद प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस करें। रमजान के बाद भी कुछ है, अभी रमजान के बाद पेपर आ जाने हैं हमारे। अच्छा। पेपर के बाद इंशाल्लाह ताला ऐसी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हो यार? ये मेरा कजन है रेहान, क्या चल रहा है फिर प्रैक्टिस हो रही क्रिकेट की? जिसे पंजाबी ना समझ आ रही उन्हें बता दूं, ये कह रहे हैं कि वो बेस्ट बैट्समैन है। और बता दूं यार उर्दू में बता दूं मेरी ऑडियंस ना, बेस्ट बैट्समैन। अच्छा क्रिस गेल से फ्लिकर भी कहते हैं, सही है। और ये है पाकिस्तानी क्रिस गेल है, सही है। बहुत छक्के मार, सही है। बॉलर भी है यार, नाम तो बता दो। मिसबाह उल हक बना हुआ था, अभी मैं इसको बॉल करवा रहा था, इसमें रसल वाली क्वालिटी आ जाती है अक्सर, सही है। अक्सर इसमें रसल आ जाता है, कभी बॉलिंग भी अच्छी करता है, बैटिंग भी अच्छी करता है, सही है। और ये रसल नाम बता दो ना,
मोहम्मद वसीम अशरफ, सही है, वसीम अकरम, वसीम अकरम है, सही है जी, सही है।